FAQ नंबर 3 में बच्चों हमसे पूछता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ योर ग्राफ। देखिए सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि मिनिमम वैल्यू से मुराद एक्स की वैल्यू नहीं है। मिनिमम वैल्यू हम एक्स की वैल्यू को नहीं कहते, मिनिमम वैल्यू हम कहते हैं वैल्यू ऑफ वाई को। एक चीज़ याद रखें कि मिनिमम वैल्यू हम कहते हैं वैल्यू ऑफ वाई को। एक चीज़ याद रखें बच्चों कि जब भी आपको ग्राफ बना के दिया जाए ऐसे एक कप शेप, रिमेंबर व्हेन इट्स अ कप शेप ग्राफ, तो हमेशा आपसे जब मिनिमम वैल्यू ऑफ योर ग्राफ मांगे तो आपने ये देखना है कि ये ग्राफ सबसे लोवेस्ट डिप कहाँ जाके करता है। देखिए सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ होगा आपने उस लोवेस्ट पॉइंट के सामने जाके इधर जो वाई की वैल्यू आएगी दैट वैल्यू ऑफ वाई विल बी कॉल्ड एज द मिनिमम वैल्यू। और इसी तरह से जब आपको ग्राफ बना के दिया जाए एक कैप शेप का ग्राफ बनेगा ऐसे, रिमेंबर जब भी कैप शेप का ग्राफ बने तो आपने उस सिचुएशन में आपसे वो कभी भी मिनिमम वैल्यू फिर नहीं मांगेगा, बल्कि तब आपसे वो कहेगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर ग्राफ। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर ग्राफ का मतलब होगा कि आपने y की वैल्यू ही निकालनी है। तो इस वक्त जो ग्राफ का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट के बिल्कुल सामने फुट रूलर से आपने हॉरिजॉन्टली एक लाइन बनानी है, तो जो इधर y की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। तो रिमेंबर मिनिमम वैल्यू हो या मैक्सिमम वैल्यू हो वो बेसिकली पूछता y की वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ से मुराद वाई की वैल्यू ढूंढना होता है, एक्स की नहीं। तो इसीलिए कप शेप ग्राफ में लोएस्ट पॉइंट के सामने जो वाई होगा वो मिनिमम वाई होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ होगा, और जो कैप शेप ग्राफ जब भी बनेगा तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ही मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने अपर मोस्ट ग्राफ का जो पॉइंट है इसके बिल्कुल सामने जो वाई की वैल्यू होगी दैट विल बी द। तो बच्चों अब इस ग्राफ के ऊपर हमने मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, तो आप देख रहे हो जैसे ये कप शेप ग्राफ होगा तो आपने इस ग्राफ का सबसे लोएस्ट डिप देखना है। अब लोएस्ट डिप ढूंढने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप फुट रूलर को ऐसे बैक से लेकर आएं और आप देखिए कि जहाँ पर ये ग्राफ को सबसे लोएस्ट पॉइंट पे इधर मीट करता है दिस विल बी द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वाई। तो लोएस्ट पॉइंट के सामने आप अगर गौर से देखें तो इस वक्त ये आ रहा है जब आप सपोज -6। नाउ रिमेंबर ये आपने टेबल से देख के नहीं आंसर करना, सारे सवाल ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ से सॉल्व करने होते हैं। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ योर ग्राफ ओवर हेयर इज़ इक्वल्स टू -6। तो बेसिकली यहाँ पे हम जब इसका आंसर लिखने लगेंगे तो हम उसको लिख कर देंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ वाई एंड इट इज़ इक्वल टू -6। तो देखिए इसमें अब FAQ नंबर नेक्स्ट जो है वो ये कह रहा है, इन द FAQ 4 कहता है स्टेट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मिनिमम लाइज। अब इस स्टेटमेंट का मतलब बेसिकली ग्राफ पे ये है कि वो कह रहा था कि जहाँ पे आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई लाए कर रहा है, यानी जहाँ पे मिनिमम लाए करता है आपने इसी मिनिमम का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू है वो बतानी है। तो देखिए जो भी आपका मिनिमम पॉइंट था, सपोज़ ये वाला मिनिमम पॉइंट था, तो आपने इस मिनिमम पॉइंट के बिल्कुल सामने इधर से एक डॉटेड लाइन बनानी है ऊपर, और जहाँ भी जाकर वो आपको एक्स की जो वैल्यू भी दे। तो ही वाज़ सेइंग के स्टेट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मिनिमम लाइज। तो वेर एवर द मिनिमम वाई लाइज आपने उसी पॉइंट से कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू जो ऊपर ग्राफ पे होगी ऐसे डॉटेड लाइन बना के दिखा देनी है। तो अगेन मैं एक रफ सी बात कर रहा हूँ, सपोज़ दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ -1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स विल बी -1। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा।